नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किसी विलेन की अम्लता या क्षारकता को मापने के लिए काम में आने वाला स्केल है, तो उसका आंसर होगा बी, पीएच स्केल। इसी से अम्ल है या क्षार है मापते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक उदासीन विलेन की पीएच का मान कितना होता है, मान होता है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर 7। थर्ड नंबर, मानव रक्त की पीएच का मान 7.4 होता है, इसकी प्रकृति है, अगर 7.4 है तो इसका ये जो 7 के ऊपर होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो इसका आंसर होगा हल्का क्षारीय, क्योंकि 7.4 है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसकी पीएच संभवतः होगी 7, सी नंबर आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक सूत्र है, आंसर होगा सी नंबर CSO4 इंटू हाफ 1/2 H2O। सिक्स नंबर क्वेश्चन, पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, वह है डी नंबर विरंजक चूर्ण। सेवन नंबर क्वेश्चन, हमारा उदर अमाशय एक अम्ल उत्पन्न करता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ए नंबर होगा इसका आंसर। एट्थ क्वेश्चन है, एक विलयन ए की पीएच का मान 5 है, विलयन बी की पीएच का मान 9 है, तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होगी, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा बी, विलयन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा, पारा जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, मरकरी। टेंथ नंबर क्वेश्चन, पीतल एक मिश्र धातु है जो बनी होती है तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बनता है, ए नंबर इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यशद लेपन की क्रिया में लोहे तथा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने हेतु उस पर जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है वह है सी नंबर होगा इसका, जस्ता, जिंक। उसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन, शुद्ध सोना होता है, तो आप सभी को पता है जो 24 कैरेट का सोना होता है वो सबसे शुद्ध होता है। 13th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक है, तो इसका आंसर होगा डी, चांदी। 14th नंबर, एक्वारेजिया अम्लराज किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है, इसका आंसर होगा ए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल। 15 नंबर क्वेश्चन, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक, आंसर होगा डी नंबर। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है, बी नंबर इसका आंसर होगा, सुचालक। 17वां नंबर, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, आयनिक यौगिकों के हमेशा उच्च होते हैं। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं एनोडीकरण। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है, तो इसका आंसर होगा बी, ग्रेफाइट। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिस्थिति लोहे पर जंग लगने का कारण है, तो इसका आंसर होगा डी, वायु और जल की उपस्थिति। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इन सारे क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसे एलिब्रेटली आप लोगों को समझा दूंगी। सो दोस्तों, चलिए मिलती हूँ मैं अपने अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को किसी दूसरे सब्जेक्ट पे भी आंसर चाहिए तो सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।